हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मेरे चैनल पर मैं अभी कोई भी वीडियोस हैं वो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि 11 के असेसमेंट चल रहे थे। अब असेसमेंट ख़त्म हो गए हैं, तो अब मेरा वीडियो डालने का जो रूटीन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये ब्लॉग है या ये क्लिप्स हैं, मैं मार्च की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया था, बट इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि घर पर रहते टाइम वहाँ बहुत नेटवर्क का इशू रहता था, इस वजह से ये वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी। तो ये मार्च में मैं जब अपने पापा के साथ में खेतों पर गई थी, तो वहीं की ये क्लिप्स हैं। और इस वीडियो को मैंने बहुत प्यार से बनाया था, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इसमें अपने खेतों को दिखाया है और अपने गाँव का घर भी दिखाया है, और मेरे अपने और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबसे सबको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आपसे मिलाऊँगी मैं इस वीडियो में। तो अभी मैं और मेरे पापा दोनों लोग आए हैं। हम लोग कुठौंदा हमारा गांव है, और ये उरई से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। तो यहाँ पर मैं खेतों में आई हूँ खेत देखने के लिए। और देखिए, इस वाले खेत में है, यहाँ पेपरमेंट है, इसकी फार्मिंग होने लगी है। तो अधिकतर लोग यहाँ पर पेपरमेंट की फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे खेत में पेपरमेंट लगा हुआ है, और कहीं पर कुछ लोग पेपरमेंट में पानी लगा रहे हैं, और मतलब सिंचाई कर रहे हैं, और कुछ खेतों में कटाई चल रही है, और कुछ खेतों में अभी गेहूं लगा हुआ है कटने के लिए, कहीं चना कट रहे हैं। तो यहां आसपास में लोग दिख रहे हैं। बीचों बीच ये छोटा सा तालाब बना के रखा है, बना के क्या रखा है, बनवाया गया है। और ये खेत मेरे चाचा जी का है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चार हैं, जो छोटी छोटी डक हैं वो भी इसमें हैं। और यहाँ पर ये वाले इसमें ट्यूबवेल लगा है, ट्यूबवेल तो सिंचाई के लिए यूज़ में आता है, जिस पानी उससे सप्लाई होता है। और यहाँ ये टीन सेट डाले गए हैं, ये ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करने के लिए। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ खेती किसानी होना तो लाजमी है। मीन्स नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारे यहाँ खेती किसानी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे फादर अकेला फार्मिंग करते हैं, मेरे बड़े पापा, मेरे भैया, और यहाँ चाचा जी, और उसके साथ साथ मेरे मामा के साइड में भी और बुआ साइड में भी सभी लोग खेती किसानी करते हैं। तो फार्मिंग हमारे यहाँ पर होती है, और यहाँ पर लोगों की अच्छी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, तो लोग अच्छे से यहाँ पर पैदावारी करते हैं। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो अनाज व्यापारी हैं, यानी वो मंडी में बैठते हैं, और उनका बिजनेस है गल्ला मंडी में है। तो वो किसानों से अनाज खरीदते हैं। हाँ, इसी से सीज करो, इसी मछली पालन कर लो। अच्छा, इसलिए है सरकार पाइप कर रही। तो यहाँ मेरे पापा बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट ने मतलब किसानों को पैसा दिया है कि आप ये तालाब खुदवा लो, जिससे कि यहाँ पर पानी स्टोरेज हो जाए, और ये सिंचाई के लिए आपका काम आ सकता है, और आप इसमें मछली पालन भी कर सकते हो। तो ये बहुत से लोगों ने अपने खेतों में है तालाब बनवा के रखा है। तो ये वाला खेत है, ये मेरे पापा का खेत है, और यानी हमारा खेत है इस साइड, तो यहाँ पे भी तालाब बना हुआ है। और यहाँ देखिए, ये मेरे पापा की जुगाड़, मतलब उन्होंने एक हैंडपम्प लाकर इसमें पाइप लगाकर और तालाब से कनेक्शन कर लिया है, कि नीचे पानी लेने ना जाना पड़े। और ये ट्यूबवेल से भी इसमें पानी भर देते हैं, तो ये हैंडपम्प के थ्रू यहाँ पर बाल्टियाँ वगैरह रखी हैं, तो यहाँ आता धोने के लिए काम आता है, और कपड़े वपड़े धोने। जब मेरे पापा यहाँ रुकते हैं, मोस्टली वो यहीं खेतों में आते हैं, सुबह आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं। और सच बताऊं तो उनको घर पे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ उन्होंने कुछ खाने पीने के बर्तन भी रख रखे हैं अपने, और जब अगर घर से खाना नहीं खा के आते हैं तो वो अपना यहाँ पर बना लेते हैं। और दो झोपड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, साथ में यहाँ पर उन्होंने एक चूल्हा बना के रखा है। मेरे फादर हैं, वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो यहाँ पे यहीं पे इस चूल्हे में अपना नॉन वेज है वो बना लेते हैं, बट हम लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज। और मेरी, सच बताऊँ तो मेरी मम्मी हैं उन्हें घर पर नॉन वेज बनाने भी नहीं देती। हमारे घर पर नॉन वेज अलाउ नहीं है कि वो घर पर बनाए। आप बाहर कहीं पर भी बना सकते हो, कहीं पर भी खा सकते हो, होटल में भी खा सकते हो, या खेतों पर भी।
तो ये देखिए, ये चूल्हा भी मेरे पापा ने ही बनाया है। बहुत ही क्रिएटिव हैं वो, और यहाँ उनकी क्रिएटिविटी दिख रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि इसमें मैंने पीछे साइड भी ये लगा के रखा है कि अगर आगे आप आग जलाओ तो पीछे भी कुछ दूध वगैरह रख लो तो बॉइल हो जाएगा। तो बचपन से हम अपने घर में बस खेती किसानी ही देख रहे हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है। साथ में मेरे पापा का एक बिजनेस भी चल रहा है, तो इसी के थ्रू उन्होंने हमको पढ़ाया है खेती का पैसा से और बिजनेस के थ्रू ही। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे फादर हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी खेती किसानी में कुछ चीज़ें नहीं निकलती हैं, ऐसा होता है कि आप फसल में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हो लेकिन फसल कुछ नहीं निकलती है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो कभी कभी हम पापा को बोलते हैं कि आप ये फार्मिंग वगैरह है वो छोड़ दीजिए और कोई दूसरा बिजनेस कर लीजिए, लेकिन जब उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उनको उससे नहीं हटा सकते हैं। खेतों से आने के बाद देखिए मैं अपने घर पर ले आई हूँ आपको। तो ये हमारा वो घर है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ हमारा पूरा बचपन है वो यहीं निकला। तो इसके जस्ट बगल में ये वाला जो कच्चा घर दिख रहा है, यहाँ पर जानवर बनते हैं, और जहाँ पर वो हरी बेल दिख रही थी तो वहाँ पर वो हमारा मेन घर है। तो ये यहाँ पर गोबर गैस प्लांट बना हुआ है, मतलब इसमें जो गाय भैंस का गोबर है वो डाला जाता था और उससे गैस बनती थी, तो उससे गैस चूल्हा जलता था। तो उस टाइम पे ये मेरी दादी ने बनवाया हुआ था। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले से गैस थी, गैस चूल्हा पे खाना बनाती थी मम्मी लोग और मेरी बड़ी मम्मी लोग। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फैसिलिटी हैं जो हम लोगों ने बहुत पहले से ही देखी हैं। और ये मशीन है यहाँ पे चारा काटने वाली लगी थी। तो मेरे साथ में मेरी भतीजी रिद्धि है और मेरी कज़िन सिस्टर छुटकी, जिसको छुटकी बोलते हैं, उसको वो सबसे छोटी है इसलिए उसको छुटकी बोलते हैं। तो ये रेड पेंट में छुटकी है और यहाँ ये रिद्धि है। वैसे तो हम लोग 10 बहनें हैं, मतलब हम मेरे पापा 3 भाई हैं, तो उस तीनों भाइयों की बेटियों को मिला के 10 बहनें हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग इस नाम से भी ज़्यादा जाने जाते हैं कि उनकी बेटियों, उनके घर में इतनी सारी बेटियां हैं। तो एक तो इतनी सारी बेटियां होने के बाद भी आज घर है, यहाँ सुनसान डला रहता है। सच बताऊँ तो अब गिनी चुनी रिद्धि और छुटकी ही घर में देखते हैं, भैया भाभी और बड़ी मम्मी और बड़े पापा। तो ये है हमारा प्यारा सा घर, और ये एक हवेली से कम नहीं है, क्योंकि इसमें एक कमरे के अंदर एक कमरा, अगर आप गिनने बैठोगे तो इसमें 40 से 45 के रूम होंगे। और कुछ रूम तो ऐसे हैं कि जो मैं आज तक नहीं गई हूँ, उनमें इतना अंधेरा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही लेफ्ट साइड में मेरी मम्मी का रूम आ जाता था। और यहाँ पर ये देखिए, ये पट्टी बनी हुई है और यहाँ पर चारों तरफ भाभी ने बहुत सुंदर डेकोरेट करके रखा है, गमले रखे हैं। और यहाँ मैं अपने बड़े पापा से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो ये मेरे बड़े पापा हैं और इधर मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं। तो जिस रूम के बाहर मेरी बड़ी मम्मी बैठी हैं, उस रूम से अगर एंटर करोगे तो उसके अंदर भी 4 रूम हैं। तो वहाँ पर मेरी मम्मी का रूम रहता था, और रिसेंटली मेरी मम्मी पापा हैं वो उरई में रहते हैं। और ये मेरी प्यारी सी भाभी हैं, और ऐसा घूंघट वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप जरूरी घूंघट ही करो, बट मेरी भाभी मेरे पापा के लिए है, बड़े पापा के लिए, पापा के लिए, चाचा के लिए घूंघट करती हैं। और वैसे मेरी भाभी मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी हैं, तो वो हमारे घर पर पहले से आते जाती रही हैं, और बाद में हम लोगों को वो इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उनको फिर बाद में हमने अपनी भाभी बना लिया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो कंपलसरी है कि आप घूंघट ठीक करो, अगर उनको इच्छा है करने की तो वो करें, और नहीं है तो नहीं है, वो कुछ भी पहन सकती हैं। और उसके बाद मैं गांव के बाहर ये मंदिर के पास आई हूँ। तो ये जब हम लोग छोटे थे तो इस मंदिर पर नहीं चढ़ पाते थे, और आज देखो ये मंदिर का जो पूरा है भराव हो गया है, तो मंदिर बिल्कुल रोड के इक्वल हो गया। और यहाँ बच्चे आराम से खेल रहे हैं, इन्हें कोई कोरोना का डर नहीं, कुछ नहीं है, बस बिंदास होके खेल रहे हैं। और देखिए पानी भी ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है, गंदा है, और फिर भी बच्चे यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यही था मेरा गाँव का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आए।